मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मोमेंटम और कंसिस्टेंसी। अगर आप शुरुआत अच्छे करते हो तो आपको वो मोमेंटम जारी रखना, और थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपको उस कंसिस्टेंसी के साथ खेलना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ICC टूर्नामेंट ऐसा होता है कि कोई भी टीम का मोमेंटम कभी भी आ सकता है, तो आपको किसी भी टीम को लाइटली नहीं लेना है। लेकिन आई थिंक हमारी टीम काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। एक माही भाई होने के नाते एक विराट को एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, एक गाइडेंस मिलता है, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर टीम के साथ है, और एक पीछे से जब एज अ विकेट कीपर को एक पूरा अंदाज़ा आता है फील्ड का, कि किस एंगल में फील्डर्स होने चाहिए, क्या फील्डिंग पोजीशंस होने चाहिए, कि बॉलर्स क्या लाइन एंड लेंस डाल सकते हैं। तो आई थिंक जब माही भाई होते साथ में तो ज़रूर एक हेल्प होती है। और विराट एज अ लीडर, पता है कि जिस तरीके से उन्होंने इंडियन टीम को लीड किया है, जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट आगे आया है, तो आई थिंक उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है।